नटराज जो कि ब्रह्मांड के नर्तक हैं, उनकी ये मूर्ति हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध और भावपूर्ण रिप्रेजेंटेशंस में से एक है। ये भगवान शिव को दर्शाता है जो हिंदू देवी देवताओं में से एक प्रमुख देवता है और वो एक ऐसे दिव्य नृत्य में लीन है जो ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश की लय और चक्रों को दर्शाता है। शिव का ये मनोरम रूप केवल एक सुंदर मूर्ति नहीं है, ये एक गहन दार्शनिक कथन है जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और मेटाफिजिक्स के सार को समाहित करता है। नटराज को आमतौर पर एक पैर उठाए हुए गतिशील मुद्रा में दिखाया जाता है जो अज्ञानता से मुक्ति का प्रतीक है, जबकि दूसरा पैर राक्षस अपस्मार पर टिका हुआ है जो नकारात्मकता और भ्रम पर विजय का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी चार भुजाओं में कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें डमरू यानी ढोलक जो सृजन का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि यानी आग जो विनाश का प्रतीक है, अभय मुद्रा जो आश्वासन की मुद्रा है और गजहस्त मुद्रा जो भय को दूर करने की मुद्रा है। उनके जटा वाले बाल बेतरतीब ढंग से लहराते हैं, जिन पर एक अर्धचंद्र और गंगा नदी सुशोभित हैं जो समय और प्रकृति पर उनकी महारत का प्रतीक है। नटराज की मूर्ति ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले विपरीत बलों के बीच जटिल परस्पर क्रिया का एक दृश्य रिप्रेजेंटेशन है। यह हमें याद दिलाता है कि सृजन और विनाश अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। सृजन और विनाश के बीच का यह गतिशील तनाव ही शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का सार है, एक ऐसा नृत्य जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है और समय के पहिए को आगे बढ़ाता है। नटराज का नृत्य केवल मिथोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, यह मानवीय अनुभव के भीतर गहराई से गूंजता है। जिस तरह शिव अग्नि के घेरे में नृत्य करते हैं, उसी तरह हम भी जीवन और मृत्यु, खुशी और दुख, सृजन और विनाश के चक्रों को पार करते हैं। नटराज की मूर्ति सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस और अस्तित्व के शाश्वत नृत्य की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। नटराज की आइकनोग्राफी प्रतीकों से भरपूर है, प्रत्येक एलिमेंट को गहन दार्शनिक अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। उनके नृत्य को अक्सर तांडव कहा जाता है, जो एक शक्तिशाली और ऊर्जावान नृत्य है जो ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। उनके रूप और मुद्रा का हर पहलू सृजन, संरक्षण और विघटन की कहानी में योगदान देता है। नटराज के ऊपरी दाहिने हाथ में रखा डमरू एक छोटा ढोल मौलिक ध्वनि नाद का प्रतिनिधित्व करता है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह सृजन की ध्वनि है, पहला कंपन जिसने ब्रह्मांड को गति में सेट किया। इसके विपरीत उनके ऊपरी बाएं हाथ में रखी अग्नि आग विनाश का प्रतीक है, जो एक कॉस्मिक साइकिल के अंत में ब्रह्मांड के विघटन का प्रतीक है। हालांकि ये विनाश अपने आप में अंत नहीं है, बल्कि नए सृजन के लिए एक आवश्यक भूमिका है। नटराज को घेरे हुए आग की एक अंगूठी है जिसे प्रभामंडल कहा जाता है, जो सृजन और विनाश के निरंतर चक्र, जीवन और मृत्यु के अंतहीन नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसी ज्वलंत घेरे में शिव अपना ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ परिवर्तन और बदलाव के अधीन निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। नटराज के उठे हुए पैर के नीचे बौना अपस्मार है, जो अज्ञानता, अहंकार और भ्रम का प्रतीक है। अपस्मार को रौंद कर नटराज अज्ञान पर ज्ञान की, मोह पर आत्मज्ञान की विजय का प्रतीक है। यह हमारी लिमिटेशंस को दूर करने और आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में प्रयास करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। नटराज की आइकोनोग्राफी का प्रत्येक एलिमेंट एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो अर्थ और दर्शन की एक जटिल टेपेस्ट्री को एक साथ बुनता है। नटराज का नृत्य केवल एक दृश्य तमाशा नहीं है, यह अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति के लिए एक गहन दार्शनिक रूपक है। यह सृजन, संरक्षण और विघटन के निरंतर चक्र में हिंदू विश्वास को दर्शाता है, एक कॉस्मिक रिदम जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। शिव का नृत्य इस शाश्वत चक्र के पीछे प्रेरक शक्ति है, ब्रह्मांड का धड़कता हुआ हृदय। नटराज के नृत्य को अक्सर पांच दिव्य कृत्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, जिन्हें पंचकृत्य कहा जाता है। ये पांच कार्य हैं सृजन या सृष्टि, संरक्षण या स्थिति, विनाश या संहार, तिरोभाव या छिपाना और अनुग्रह या कृपा। ये कार्य अनुक्रमिक नहीं है, बल्कि एक साथ होते हैं, उन शक्तियों के गतिशील इंटरप्ले का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखते हैं। नटराज का नृत्य विरोधों की एकता की अवधारणा को भी दर्शाता है। सृजन और विनाश, खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा जाता है,
जो आपस में जुड़े और अन्योन्य आश्रित हैं। इन प्रतीत होने वाले विरोधी ताकतों के नृत्य के माध्यम से ही ब्रह्मांड अपना सामंजस्य और संतुलन बनाए रखता है। नटराज की छवि सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस की एक शक्तिशाली याद दिलाती है और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, दुहक के बीच खुशी खोजने के लिए और उस दिव्य चिंगारी को पहचानने के लिए जो हम सभी के भीतर रहती है।